नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचल मारिया के साथ इंडिया समाचार। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के मिलीभगत से उमरी तालुका पूर्व का नहीं हुआ विकास। प्रयागराज जिले के कौंधरिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा उमरी ताल का पूर्व के प्रधान सोहन लाल सोनकर और ग्राम विकास अधिकारी ने गरीब जनता के सारे पैसे डकार लिए। वहीं जब पत्रकारों ने गांव में जाकर के प्रधान से गांव की निगरानी के बारे में बात की तो प्रधान की पत्नी ने पत्रकारों से अभद्रता से बात की। कहा कि जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लो, हम डरने वाले नहीं है, हम किसी अधिकारी से नहीं डरते, ना तो गांव वालों से। अभी तक उस गांव के विकास कार्य की देखरेख कौंधरिया ब्लॉक वीडियो डॉक्टर कंचन से नहीं करवाई। उस गांव की गरीब जनता बहुत ही त्रस्त है, परेशान है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग किसके पास जाएं, हम लोगों का आवास, शौचालय और नाली सड़क आदि निर्माण कार्य सिर्फ कागजी कार्रवाई में हो चुका है। वहाँ के लोगों से जब पत्रकारों ने पूछताछ की तो वहाँ की गरीब जनता ने अपनी दुखद घटना को वह खुद से ही अपने मुंह से बयान किया। और उनका कहना है कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान सोहन लाल सोनकर और ग्राम विकास अधिकारी आदि सब लोगों ने हम लोगों का विकास का पैसा सब कागज के दम पर खा गए और कहते हैं कि हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब अधिकारी नहीं दे रहे हैं तो हम कहां से लाएं। प्रधान जी का कहना है कि ब्लॉक या जिले से जब पैसा आएगा तो हम गांव का विकास कार्य करेंगे, अन्यथा मैं अपने जेब से नहीं करूंगा। जब पत्रकारों ने लोगों से कहा कि ब्लॉक स्तर से कोई अधिकारी या जिले स्तर से कोई अधिकारी या फिर गांव में आकर आप लोगों से कुछ पूछताछ किया तो वहां के लोगों का कहना है कि ना तो कोई अधिकारी आया, ना तो कोई जांच हुई। सारे शौचालय की लिस्ट का पैसा और आवास का पैसा पता ही नहीं कहाँ चला गया। उस गाँव में पिछड़ी जाति के लोग है और उनका मकान भी कच्चा दिखाई दे रहा है। पत्रकारों के द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसमें उमरी तालुका पूर्वक के ग्राम प्रधान की दबंगई वाला परवाई मीडिया के सामने आई। मीडिया ने यह कदम उठाया है कि उस गांव का जो भी कार्य रुका हुआ है उसकी जांच करवाया जाए और गरीबों को आवास, शौचालय तथा विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि सब लोगों को दिया जाए। यह सब जिम्मेदारी अब ब्लॉक के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उस गांव के प्रधान की जांच करवाई जाए और उस प्रधान के खिलाफ जिले स्तर से नोटिस भेजी जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। यह जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की बनती है। अगर यह सब नहीं हुआ तो उस गांव की जनता ब्लॉक स्तर पर धरना देगी। एक महीने के अंदर उस गांव की जांच होना अनिवार्य है। अगर नहीं जांच होती है तो सारे जिले के पत्रकार व उस गांव की गरीब जनता भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन करेगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि दबंग प्रधान उस गांव के विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करती है कि नहीं। उस गांव की जनता को भरोसा है कि हम लोगों का विकास का पैसा जो है उसकी जांच होना जरूरी है। चलिए चलते हैं हम हमारे संवाददाता शिव कैलाश की खास रिपोर्ट पर। भाई वो बताओ भैया, बताओ सिगरेटरी साहेब काल चल भाई कर अभी पूरा मैटर दिखावा जाए, फोटो वीडियो बना रहा हम तो बोला ना करते पीछे। हां हां तुम के बयान दे देबा तो फिर का दिखावा आदमी बोला ना सर।